हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अनीस और आज मैं आप सभी से अपना विप्रो सिलेक्शन जर्नी शेयर करने जा रहा हूं। तो कैसे मैंने अप्लाई किया, कब मुझे सिलेक्शन मिलाया, सब कुछ पूरे डिटेल में बताऊंगा। तो इस वीडियो के टोटल तीन पार्ट्स रहने वाले हैं। सबसे पहला कब मैं अप्लाई किया, दूसरा कि कब मुझे रिटन टेस्ट देना होगा और कब इंटरव्यू हुआ, और तीसरा कि मेरा ऑफर लेटर आया और ऑफर लेटर आने के बाद क्या हुआ और कैसे उसके बाद की प्रोसेस होती है, सब कुछ पूरे डिटेल में बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। यार सुपरशिट एक वेबसाइट है जहाँ पे आप बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि हेक्सावेयर हो गई, इन्फोसिस हो गई, कैपजीमिनी हो गई या विप्रो हो गई, इस तरह की कंपनियां वहाँ पे अपनी ओपनिंग्स निकालती है। जब भी फ्रेशर की ओपनिंग होती है तो आप वहाँ पे जाकर रजिस्टर करके, और रजिस्ट्रेशन एक बार करना होता है। जैसे ही किसी कंपनी की ओपनिंग वहाँ पे आती है तो आपको बस अप्लाई पे क्लिक करना और बस अप्लाई हो जाता है उस कंपनी में। अगर आप उस कंपनी के लिए एलिजिबल हो तभी आप अप्लाई कर सकते हो। ये सबसे पहली चीज़, तो सुपरशिट पे आप रजिस्ट्रेशन कर लो, और सुपरशिट पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए ज़्यादा कोई तिकड़म नहीं करना। आपको बस सुपरशिट वेबसाइट पे जाना, आपको सब कुछ स्मूथ प्रोसेस दिखेगा। आप वहाँ पे कंपनीज जितने भी ओपनिंग्स हैं वहाँ को उस पर आप जाकर देख सकते हो, और उस कंपनीज में आप जब चाहो आप अप्लाई भी कर सकते हो। तो ये पहला फेज रहने वाला है। और अप्लीकेशन का डेट यार काफ़ी बड़ा होता है, जैसे 45 to 50 days का होता है, तो आप कभी भी उसके बीच में अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, अप्लाई करने के बाद क्या हुआ कि एक सवा महीने के बाद हमारे पास एक और मेल आया दैट यू हैव योर रिटन टेस्ट। और रिटन टेस्ट जो होता है वो भी सुपरसेट में लॉगिन करके ही देना होता है, और वो इतना स्मूथ होता है, मतलब आज तक मैंने जितने भी टेस्ट दिए हैं सबसे स्मूथ प्रोसेस मुझे उसका लगा। क्योंकि वहाँ पे एकदम से ऐसा नहीं है कि आपको अप्लाई करते के साथ सब कुछ ढूंढना पड़ेगा, बिल्कुल सब कुछ आपका सामने रहता है और कुछ ज़्यादा सीखने को उसमें ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप वो टेस्ट देने बैठते हो तो यार टेस्ट 1-1.5 घंटे का ही होता है मुश्किल से, और उस 1-1.5 घंटे में आपको सॉल्व करने होते हैं टोटल एप्टीट्यूड क्वेश्चंस, इंग्लिश क्वेश्चंस और 2 कोडिंग क्वेश्चन। तो दोनों कोडिंग क्वेश्चन यार इतने सिंपल होते हैं, इतने सिंपल कि अगर किसी फर्स्ट ईयर बच्चे को बैठा दिया जाए तो वो कोडिंग क्वेश्चन वो आसानी से सॉल्व कर पाएगा। उसमें ज़्यादा कुछ आपको लॉजिक नहीं लगाना, मतलब आप ऐसा मत सोचिए कि किसी डेटा स्ट्रक्चर को दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको जैसे मेरे केस में क्या था, एक फिबोनाची नंबर प्रिंट करना था और कुछ एरे के एलिमेंट्स थे जिसमें मुझे प्रिंट करना था कि वो एलिमेंट प्राइम है कि नहीं। तो समझ सकते हैं कितना ईजी था, मतलब जिसको एरे का कॉन्सेप्ट पता हो वो आसानी से मतलब 2 मिनट में ये क्वेश्चन कर लेगा। और फिबोनाची तो यार पहला क्वेश्चन कराया जाता है जब भी आपको व्हाइल या फॉर लूप जब भी पढ़ाया जाता है, तो आपको पहला क्वेश्चन वही कराया जाता है फर्स्ट ईयर में। तो फिबोनाची मतलब दोनों क्वेश्चन काफ़ी ईजी थे, दोनों क्वेश्चन आसानी से हो गए। हाँ, दिक्कत कहाँ थी, दिक्कत थी एप्टीट्यूड में। जैसे ही आप एप्टीट्यूड खोलते हो तो आपके दिमाग घूमने लगते हैं, मतलब एप्टीट्यूड थोड़ा सा वास्ट होता है, तो मतलब TCS लेवल का नहीं होता, TCS थोड़ा सा मतलब अंडर लेवल का होता है। तो आपने अगर TCS के लिए तैयारी कर लिया है तो फिर इसके लिए अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है। तो मैंने TCS के लिए यार अप्लाई मतलब तैयारी करी थी, तो फिर विप्रो के लिए अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ी, और उससे मतलब लो लेवल का इसमें एप्टीट्यूड आता है। तो मेरे लिए तो काफ़ी यार इजी था, तो एप्टीट्यूड आसानी से सॉल्व हो गया। इंग्लिश भी TCS के लिए अगर आपने एक बार इंग्लिश का अगर आपने तैयारी कर लिया तो फिर विप्रो के लिए अलग से तैयारी नहीं करनी, आप आसानी से इंग्लिश भी निकाल सकते हो। लास्ट में एक फ्रेज लिखना होता है 400 वर्ड्स का, तो वो काफ़ी ट्रिकी होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है यार 400 वर्ड्स आपको लिखने ही लिखने हैं, मतलब अगर लिख देते हैं तो काफ़ी अच्छा, अगर नहीं लिख पाते हैं तो ऐसा नहीं कि उसमें बम फूट जाएगा, बिल्कुल नहीं, आपके मार्क्स मिलेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ यार, वो इंडिविजुअली चेक नहीं होता, एक एक कॉपी उठा के एक एक प्रोफाइल उठा के वो पैसेज चेक नहीं होता। तो मेरे ख्याल से क्या होता होगा कि कोई प्रोग्राम लिखा हुआ होगा जहाँ पे अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अगर देख लिए जाते होंगे और उसके आधार पे आपको मार्क्स मिलते होंगे। लेकिन सबसे पहला तो चेक यही होगा कि क्या इसने 400 वर्ड्स लिखा है क्या। अगर वो चेक आप क्रॉस कर लेते हो तो थोड़े से आपका मार्क्स बढ़ जाएंगे ना। तो मैं क्या कहूँगा कि 5 मिनट में आप 400 वर्ड्स तो आसानी से लिख ही सकते हो ना, तो आप 400 वर्ड्स लिख दो उसमें, और थोड़ा सा ग्रामेटिकल मिस्टेक होगा तो वो बाद में देख लेंगे, लेकिन पहला चेक तो आप पार कर लो। मतलब 400 वर्ड्स अगर आपके पास हो जाएंगे तो फिर आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने के ज़्यादा चांसेज हैं। तो मैंने वो ट्रिक यार अपनाया था। अच्छा, अब इस रिटन टेस्ट के बाद क्या होता है, रिटन टेस्ट के बाद एक आपको मेल आता है अगले 20-25 दिनों में कि आपका कल HR प्लस टेक्निकल राउंड इंटरव्यू है, और वो सेम पर्सन आपके HR भी होंगे और टेक्निकल राउंड दोनों वहाँ पे साथ साथ हो जाते हैं। तो बस 2 राउंड होता है, एक रिटन और दूसरा HR TR MR जो भी होता है, एक बार में ही खत्म हो जाता है। और उसके लिए भी आपको क्या करना है, उसके लिए भी आपको सुपरसेट पर लॉगिन करके बस बैठे रहना है, और जैसे हमारे WhatsApp पे वीडियो कॉल आती है उसमें भी वीडियो कॉल आती है, बस आपको एक्सेप्ट करना है, और जैसे एक्सेप्ट करेंगे तो सामने वाले व्यक्ति वहाँ आएंगे और जो भी होंगे वो HR या MR या TR, मतलब तीनों क्वेश्चन उन्हीं को करना है, तीनों तरह के क्वेश्चन, और क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं होता, बहुत ज़्यादा समय का इंटरव्यू भी नहीं होता, तो आप आसानी से वो क्वेश्चन कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चंस आपको नहीं घुमाए जाते। अगर आपने ये चीज़ें रिटन टेस्ट क्रॉस कर लिया तो फिर काफ़ी आसानी से उसमें आपको पास
कर ही जाएंगे। अगर थोड़ा सा भी आपको बेसिक नॉलेज है तो आप आसानी से उसमें पास कर जाएंगे। तो उसमें ज़्यादा घुमा घुमाए क्वेश्चन नहीं किए जाते, बस 5 से 7 मिनट का इंटरव्यू होता है। आप उस इंटरव्यू में ज़्यादा HR क्वेश्चन से किए जाते हैं, और 2-3 क्वेश्चन जो होते हैं वो काफ़ी कॉमन होते हैं। जैसे आप रिलोकेट कर सकते हो कि नहीं, आपने मतलब परसेंटेज आपकी कितनी है, आप ज्वाइन करना चाहते हो कि नहीं, आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, इस तरह के क्वेश्चन। तो अगर आप इन सारे क्वेश्चन से के लिए कंफर्टेबल हैं तो आप आसानी से वो फेज भी क्रॉस कर सकते हो। तो ये हो गया यार हमारा पूरा का पूरा इंटरव्यू प्रोसेस, रिटर्न प्रोसेस, अप्लाई प्रोसेस। उसके बाद क्या है कि आपका ऑफर लेटर जनरेट हो जाएगा, अगले 1 महीने के अंदर आपका ऑफर लेटर भी जनरेट हो जाएगा। हाँ, लेटर ऑफ इंटेंट जिसमें आपकी सैलरी डिस्कस होती है वो 2-3 दिन बाद ही आ जाएगी, लेकिन आपका ऑफर लेटर जो 1-2 महीने बाद आएगा। तो ये रहा पूरा विप्रो जर्नी, और आप भी अगर विप्रो में जाना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाएं, काफ़ी क्वेश्चन आपके दिमाग में होंगे, वो सारे क्वेश्चन करें, मेरे टेलीग्राम पे जाके वो क्वेश्चन कर सकते। इसके अलावा वो सारे क्वेश्चन आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भी कर सकते हैं जो कि अबाउट सेक्शन में है। तो जितने भी सारे क्वेश्चन हैं मेरे से क्लियर करो, मैं आपके क्वेश्चन क्लियर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने HCL वाले जर्नी को लेकर। इसका पहले वाला TCS डिजिटल वाला जर्नी आप देख ही ले, HCL वाला आगे बनाऊंगा, ये विप्रो का है, उसके बाद कॉन्डुएंट का भी बना ही दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेट्स सी यू, हैव अ गुड डे, बाय।